देखो मेरा कॉल आ रहा है, तुम्हें वीडियो बाद में दिखाता हूँ, ठीक है? ओके, हाय गीता। क्यों सर, माँ के घर जाने के बाद गर्लफ्रेंड को भूल गए क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद तुम्हें फोन करने वाला था। कितने दिन हो गए तुमको देखे हुए, मेरा दिल और दिमाग दोनों डिस्टर्ब हो गया है। आई मिस यू सो मच जानो। तुम फिक्र मत करो, जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मैं ऑलरेडी तुम्हारे पास आ रही हूँ। क्या कहा, मजाक मत करो। हे आई एम सीरियस। कहाँ पर? देखो मैक्सिमम 5 किलोमीटर होगा, बस इतना ही, आ गई। गीता मेरी बात सुनो, तुम जहाँ पर हो वहीं रुको, मैं खुद आ रहा हूँ। राजा राजा। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ओहो, आने से पहले फोन करना चाहिए ना। हाय राजा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, फिर भी तुम यहाँ पर चली आई। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। बाइक बाइक पे जाएंगे तो कोई नहीं देखेगा। बाइक बाइक कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। गीता मेरी बात सुनो, बाइक पे कोई भी हमें देख लेगा। अरे बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स को कार से ज्यादा बाइक में ले जाना पसंद करते हैं, पता है तुमको? ऐसा क्या, लेकिन क्यों? तुम्हारी बायोलॉजी बहुत वीक है, यहाँ कहीं गड्ढा आएगा तुम अपने आप ही समझ जाओगे। गड्ढा आने पर मुझे अपने आप समझ में आ जाएगा, पर वो कैसे? अब पता चल गया। गीता मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ पर ऐसे मत आना, मैं खुद तुमसे मिलने के लिए वहाँ पर आऊंगा। 2 दिन हो चुके हैं, कॉल नहीं, मैसेज नहीं, मैं कोई फेसबुक ऐप हूँ क्या? जब चाहे लॉग इन करो, जब चाहे लॉग आउट कर लो। मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा, हाँ समझे? जवाब दो। हेलो भाई। बोल। राजा बस स्टैंड पर है। मैं आता हूँ अभी उधर, चल वही रहना, आ रहा हूँ मैं। ऐसे करते रहोगे ना तो तुम्हारे घर पे आके सेटल हो जाऊंगी सच में। अरे लुक एट मी, कुछ बोलोगे नहीं क्या? तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ मैं, बोलो। गीता बस स्टैंड वहां है, तुम चली जाओ और संभल कर जाना। हेलो। हाँ बोलो गीता। स्वाति मैं राजा के गांव से बस में आ रही हूँ। क्या कहा, राजा ने तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया? ऐसी बात नहीं है यार, तुम समझोगी नहीं, तुम मुझे आकर पिक करो बस। भाई इधर है रे, वो इधर ही था, वो इधर यहीं कहीं होगा, गाड़ी यहीं खड़ी है। भाई चाय। मैं मंगाई रही है चाय। सर आप अपने परिवार में से किसी का नंबर देंगे? क्यों? क्योंकि 5 मिनट में सबका तोड़फोड़ हो जाएगा और एम्बुलेंस आके सबको लेकर जाएगी। का बिल्डअप कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्या भाई चाय चाहिए कि नहीं? थैंक यू सर। भाई इसको अपना चाय नहीं चाहिए, तुम्हारा फुल मिल्क ही चाहिए, आ अब तू भुगतेगा। ए मुंह क्या देख रहे हो, जाओ मारो। तुझमें अभी भी अक्कल नहीं आई? डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। सॉरी बॉस। शेयरिंग ऑटो, रुको रुको मैं आ रहा हूँ। रुको। ए उठा के मार। तूने कमिटमेंट किया है, पूरा तो करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तेरी बारी है, आ जा। रुको। ए, चार चार जन मिलकर उसे एक साथ मारो। अरे क्या कर रहे हो कमीनो? उस दिन आपसे मार खाकर अब तक पेन किलर खाकर संभल रहा हूँ, अब मार खाया तो सीधा परलोक में जाके सो जाऊंगा। छोड़ दो मुझे, मैं यही सो जाता हूँ। बहुत इंटेलिजेंट है तू। नामर्द हिजड़े के बच्चों, उठ के मारो उसे। अब तक देखा ह्यूमर टच, अब देख हैमर टच। आ,
गीता, बीच रास्ते में छोड़कर चला गया था ऐसे बोल रही थी ना। अब व्हाट्सएप पे वीडियो भेजती हूँ, वो देख। देखती हूँ देखती हूँ। क्या हुआ था भैरो, ठीक है? ए, लगे हुए घाव पर नमक मत छिड़को। नमक क्यों छिड़कूंगा मैं भैरो, उस लड़के ने सबके सामने तुझे पीटा, पूरी मार्केट के लोग तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, समझा तू? क्या बोल रहे हो? तेरी पिटाई का वीडियो किसी ने YouTube पर अपलोड कर दिया, ये देखो। चार लाख लोगों ने देखा और 1 लाख लोगों ने लाइक किया। किसने इसे YouTube पर डाला? पहले से ही भाई टेंशन में है, डालने वाले का नाम बताओ मुझे। माय हीरो साइट से अपलोड किया है, लगता है ये किसी लड़की का काम है। उसका IP एड्रेस डिटेल सब देता हूँ तुम्हें, पहले जाके उसे उठाओ। आपने बुलाया मुझे? राजा, ये भैरव एक घायल सांप के बराबर है, कब क्या करेगा किसी को पता नहीं। हमारे परिवार के बारे में सोच के ही डर लगता है। तू एक काम कर, जाके एक पुलिस कंप्लेंट कर दे। ठीक है चाचा जी। इस वीडियो में तुम ही हो ना? हाँ मैं हूँ ऑफिसर। अरे सिम सर, अपनी जान को खतरे में डालकर जान बचाने वाले को एटलीस्ट एक थैंक्स तो बोलना ही चाहिए, नहीं तो बहुत नाइंसाफी होगी। थैंक यू वेरी मच। मेरी बीवी ने बचपन में ही उसके माँ बाप को खो दिया था, अब अगर मुझे कुछ हो जाता तो वो बिल्कुल अनाथ हो जाती। तुम्हारी वजह से उसका सिंदूर बच गया। थैंक यू वेरी मच बेटा। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। तुम्हारे और भैरव के बीच में क्या लफड़ा है? तुम्हारे नाम पे खुद मैं एक कंप्लेंट लॉन्च करता हूं। आकाश। यस सर। अब उस भैरव से डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर 1000 पुलिस की सिक्योरिटी लगा दूं तो भी कम, क्योंकि अपना बब्बर शेर ही उनके लिए अकेला काफी है। ऐसे हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर जैसे हिम्मत यहां किसी में नहीं है। मां, आपने किसी साधारण व्यक्ति को जन्म नहीं दिया है। डर और दहशत नाम की चीज को जो नहीं जानता वो है अपना बब्बर शेर। चलता हूं मां जी।